तो फिर हम ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट आज मैं नमकीन सेवियाँ बनाऊंगी। तो सेवियाँ के लिए मैंने सेवियाँ भून के रख ली है, ये देखिए। ये मैंने थोड़ा सा तेल डाल के सेवियाँ को भुना हुआ है, ये देखिए, अच्छी करके भून लिया है। और उसके बाद मैंने सेवियाँ को गर्म पानी में डाल के रखा हुआ है, ये देखिए, ये गर्म पानी में से डाला हुआ है और ये फूल चुकी है। कढ़ाई में मैंने गैस ऑन कर रखी है, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला हुआ है और थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइंड डाल यूज करूंगी। रिफाइंड डालने के बाद एक लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच अजवाइन, फिर इसमें थोड़े से मूंगफली दाने, इनको भी भून लेंगे। ये देखिए, ये भी भून चुके हैं, पहले भून के रखने हो तो भी ठीक है। कड़ी पत्ता, प्याज, प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद देखिए, प्याज को आपने लंबा करके काटना है, मैं इस तरह, ये देखिए, इस तरह दिखना चाहिए। थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी, एक चम्मच गर्म का पिसा हुआ गर्म मसाला, थोड़े से मटर के दाने, आप इसमें आलू भी यूज कर सकते हैं, जैसे उबाइल आलू हो तो भी यूज कर सकते हैं। मटर के दाने मैंने गर्म पानी में डाल के रखे हुए थे, क्योंकि आजकल मटर के दाने सख्त होते हैं, तो थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए मैंने गर्म पानी में रखे हुए थे। अब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है मसाला, हल्का मसाला भूनना है। मैंने ये पानी में भिगो के रखी है, उन्हें मैं ऐसे छन्नी की सहायता से निचोड़ लूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। क्योंकि पानी नहीं डालना चाहिए इसमें,
स्वाद अनुसार इसमें नमक यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा ये गरम मसाला इसे डाल दें। हल्के आंच पे इसे अब चलाना है। पांच मिनट इसे ऐसे रहने देना है क्योंकि इसका मसाला आपस में मिलना चाहिए, नमक वगैरह इसका मिलना चाहिए। तो हमारी सेवई बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। तो ये हमारी सेवई बन के तैयार हो चुकी है। आपको मेरी ये सेवई की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट में कर बताएं। धन्यवाद।